हेलो एवरीवन आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई डिज़ाइन केक की पाइपिंग बैग में मैंने इस तरीके से रेड विप्ड क्रीम भर दी है कुछ रेड जेल कलर की बूंदें मैंने पाइपिंग बैग में भी डाली थी तो जिससे कि विप्ड क्रीम ज़्यादा रेड नज़र आए ये देखिए अब हम इस तरीके से फॉल्ट लाइन केक बना रहे हैं ये डिज़ाइन मैंने केक के चारों तरफ कर दी है कौन सा जेल कलर मैंने यूज़ लिया है ये फोटो में लगा दूँगी साइड के अंदर आप देख लेना अब इस तरीके से फ्लैट नाइफ़ की सहायता से हम चारों तरफ इस क्रीम को फैला देंगे इस तरह के फ्लैट नाइफ़ की सहायता से फॉल्ट लाइन इजीली बन जाती है ये देखिए एक बार में फॉल्ट फॉल्ट लाइन बन गई है केक के ऊपर अब इस तरीके से स्टार नोज़ल की सहायता से हम वाइट विब्ड क्रीम से फ्लावर बना देंगे केक के ऊपर ये देखिए फ्लावर बना दिए हमने केक के ऊपर अब मैंने वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा रेड कलर मिलाकर ये चॉकलेट्स बनाई हैं छोटी छोटी ये लगा देंगे हम कौन सा मैंने चॉकलेट कलर यूज लिया है इसकी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी आप देख लेना इस तरीके से फूलों के बीच में हम ये चॉकलेट्स लगा देंगे ये बहुत ही सुंदर लगती है केक के ऊपर किसी भी कलर की हम ये चॉकलेट्स बना सकते हैं इस तरह के चॉकलेट कलर आते हैं बाजार में आप ले सकते हैं अब हम मोदक वाला नोजल लेंगे और चारों तरफ नीचे दो दो मोदक बना देंगे इस मोदक वाले नोज़ल की सहायता से आप और भी बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं जो मैं बता दूंगी आगे ये हम दो दो मोदक बना रहे हैं साइड के अंदर जो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में थोड़ा सा हमने गैप रखा है दो दो मोदक के बीच में इसके बीच में हम पर्ल लगाएंगे जो बहुत अच्छे लगेंगे ये देखिए दो दो मोदक से हम ये डिज़ाइन बना देंगे अब ये इस तरीके से वाइट पर्ल में यूज़ में ले रही हूँ साइड में लगाने के लिए ये इन मोदक के बीच में हम लगा देंगे देखिए चारों तरफ हम इस तरीके से पर्ल लगा देंगे ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है केक पे अब मैं इस तरीके से गोल्डन स्प्रांकल्स ले रही हूँ ये भी हम लगा देंगे ये इस तरीके से फोल्ट लाइन के ऊपर लगा देंगे हम चाहें तो आप और भी दूसरी कोई चीज़ लगा सकते हैं पर यह इस तरह के गोल्डन मोती फोल्ट लाइन पे बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत सारे आकार में आते हैं इस तरह के गोल्डन मोती मैं इस तरह के छोटे गोल्डन मोती लगा रही हूँ यहाँ पे ये देखिए फॉल्ट लाइन पे ये मोती बहुत ही सुंदर लगते हैं ये थोड़े से ऊपर भी लगा दूँगी मैं मोती फ्लावर्स के ऊपर थोड़े से केक के बीच में ये डेकोरेट कर दूँगी मैं मोती से अब मैं ये छोटे एकदम बारीक वाले गोल्डन मोती हैं ये मैं केक के ऊपर डाल दूंगी थोड़े से मैं साइड में भी डाल दूंगी ये देखिए केक बहुत ही सुंदर लग रहा है वाइट और रेड कॉम्बिनेशन केक का बहुत ही अच्छा लगता है अब हम इस तरीके से गोल्डन हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देंगे केक के बीच में ये टैग भी गोल्डन कलर के केक के साथ में बहुत ही सुंदर लगता है अब ये देखिए पाइन फ्लेवर का केक तैयार है केक की नई नई डिज़ाइन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से